ओके से एक छोटो मुर्गू मिल गया है, देख लियो। बहुत छोटो है लेकिन है मजेदार। सुनो भैया, अगर वीडियो शुरू कर दो है तो देख लियो वीडियो में हमने का खिचड़ी बनाई है। तो कैसे हो भैया लोग, हमारी एक और नई ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज 10 या 12 दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। 10 और 12 दिन का गैप क्यों हो गया ये भी हम आप लोगों को बताते हैं। सर्दियाँ भाई कुछ ज्यादा ही पड़ रही हैं और सर्दियों में तबीयत भी ज्यादा ही खराब हो रही है। 10-12 दिन से अपनी तबीयत खराब थी, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि खांसी और जुकाम के चलते आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी, अभी भी नहीं निकल रही होगी। अब ये ब्लॉग, आज का ब्लॉग बनाने का मोटिव केवल इतना सा है कि लोग यूट्यूब पर अपनी वॉइस रिवील करते हैं, कोई अपना फेस रिवील करता है, भाई हम अपनी भाषा रिवील करेंगे आज, क्योंकि हम गांव देहात से रहने वाले हैं तो हम गांव देहात के हिसाब से ही ब्लॉग बनाएंगे। अगर गांव देहात की भाषा से ब्लॉग बनाएंगे तो मुझे बोलने पे भी आसानी होगी और अच्छे से हम ब्लॉग में आप लोगों से बात भी कर पाएंगे, है ना भाई। तो भाई हम आए हैं अपने खेतन की तरफ और आज हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे सफेद फूल वालों, हमारे बैकग्राउंड में पीछे की साइड में दिख रहा है बांकड़ा, ठीक है। तो यू बांकड़ा हम उखाड़े हैं और अपनी भैंस के लाइन लेकर गए हैं। भाई हमने बॉयस अपनी भाषा रिवील कर दी आप लोगों के सामने। बस हमारे गांव में उर्दू मिश्रित खड़ी बोली बोली जाती है, जैसे कि अभी आप हमारे ब्लॉग में हमारी भाषा के सुन रहे हो। तो चलो भाई कुछ चीज़ें आप लोगों के दिखाए दें, ये कई जगह बैठे बैठे आप लोगों के सब कुछ तो नहीं दिखा सकते। फिलहाल चलो अब दूसरे स्टेप में हम आप लोगों के सामने बस ये बांकड़ा उखाड़े हैं और ये उखाड़ के भैंस के खिलाया जाता है, इसको मतलब कटिया मशीन में काटा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप में ये भी देख लो। तो भैया लोग ये है बांकड़ा, ये आके हम उखाड़े हैं, अब देख लो उखाड़ के ऐसे जड़ समेत उखाड़ा जाता है और इसको जो मिट्टी लगी है ना ये भी ऐसे हिला के एक साइड में रख देंगे। अगर मिट्टी होगी ना तो भाई भैंस वगैरह खाने में प्रॉब्लम करेगी। तो इस तरह से इसे उखाड़ा जाता है। और कभी कभी इसका होता क्या है भाई, मैं ये भी बता दूं आपको, इसका कभी कभी क्या होता है, जब ये नॉर्मल भाग होता है, आपको दिखाऊं ये नॉर्मल भाग है, तो इसको जब काट लिया जाता है ना, इसको काट लो जैसे अब नॉर्मल भाग को, तो इसकी सब्जी वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो चलो अब ये आप लोगों को दिखाया है, थोड़ा और भी दिखाते हैं। मोटिव हमने आपको बता ही दिया कि आज की हमारी जो ये ब्लॉग है ना, या को सिर्फ मोटिव इतना है कि हम अपनी भाषा का रिवील करें और भाषा रिवील करने से एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है हमें, ताकि हम अपनी बात अच्छे से आप लोगों के सामने रख पाए। भाई शहर के लोग जैसे बोले थे वैसे ठीक है, बोलन में प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप पिछले हमारे ब्लॉग उठा के देख लो भाई, 5 या 6 ब्लॉग हैं पिछले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं भाई बोलन में, हम बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन भाई जो अच्छाई असलियत होती ना वो ज़्यादा देर तक लोगों के सामने छिपा होना चाहिए, है ना। तो अगले स्टेप में भाई अब लोगों ने कुछ और देखो, मूली के जैसा है लेकिन ये मूली नहीं है। देखो भैया लोग, हमने बांकड़ा तो भैंसिया के लिए उखाड़ लो है, अब चारे की टेंशन खत्म हो गई है। चलो हम आप लोगों के अब और कछु दिखाए दें, चले हैं पीछे पीछे दिखाई रही लहा उधर पे चल के कछु आप लोगों से बात करें, ठीक है मन पीछे चल के। अच्छा सब बातन के एक तरफ रखो, मुझे सही सही बताइयो कि गांव को माहौल आप लोगों के अच्छो लगत या नहीं लगत। अरे भैया गांव के माहौल में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, आप पीछे देखो हैं, ये फूल वगैरह जो हैं घास के फूल हैं, बांकड़ा के फूल हैं, तो यहाँ पे देखो गेहूं वगैरह जो है बहुत अच्छे हैं। आप देखो माहौल कितना अच्छा है यार, गेहूं हरे हरे गेहूं यहाँ पे आए के भैया दिल और तबीयत खुश हो जाते। थोड़ी देर बाद हवा चलन लगे, बहुत ही खतरनाक हवा चलन लगे भैया, या समझ लो हाड़ कपाए दिए, इतनी ठंड लगे है। तो हम जल्दी जल्दी यो बांकड़ा उखाड़ लें और या के बाद हम सीधे सीधे घर भागे हैं, काहे के मारे ठंड पड़ जी है या धूप थोड़ी सी धीमी हो जा रही है और हवा को रफ्तार है वह बढ़ा चली जा रही, तो ठंड बढ़ जाए। आप सभी लोग ब्लॉग अगर देखत हो तो भैया यार ब्लॉग के शेयर करत रहियो, काहे के मारे भैया हम गांव देहात के आदमी, गांव देहात के रहने वाले हैं, तो कछु अमाओ हो जाए तुम लोगों के सारे तो अच्छी बात है। तो कर दियो यार सब्सक्राइब कर दियो अगर चैनल पे आई गए हो और ब्लॉग देखते ही हो, मजा आई है यार आगे आगे हमारे चैनल पे जितने ब्लॉग आए हैं बहुत ही मजा आई है। अब हमारे जितने दोस्त वगैरह हैं, अब हम अकेले ब्लॉग बनाए रहे हैं, जब हमारे दोस्त हमारे संगे ब्लॉग बनाए हैं, एक लोग कैमरा पकड़िए और हम लोग सब लोग दिखाए हैं,
पूरे माहौल के आप लोगों के जब दिखाई है बहुत ही मजा आया भैया। हम बताए हमने अपनी वॉइस रिबिल करके बहुत ही अच्छू कर दो जो हमने जई ब्लॉग में वॉइस रिबिल कर दी। कहे के मारे हमें बोलन में बड़ो आराम यार हो गो है, बड़ो आराम यार समझ लियो अपनी भाषा में बोलवे को मजे ही कछू और होते है। तो यार कर दो सपोर्ट आप लोगन तो कछू नहीं चाहिए लेकिन हम हो सकत यार मेरी टूटी फूटी यार लाइफ ही बन जाए तो कर दो ना। आज के लाए भैया लोग ब्लॉग तो ही बहुत है, अब हम घर भज जाए काहे के मारे हवा ठंडी चलन लगी है। तो ब्लॉग में मेरे ने सहयोग कर दियो, सब लोग कर दियो सहयोग और जहाँ तक वीडियो भेज पाओ भेजियो। और यूट्यूब से मेरे एक ही कैबो है यार, मेरे वीडियो के दूर दूर तक पठवाओ, लोगन के दिखाओ, खूब लोगन के दिखाओ। और वो वही है तभी जब तुम लोग हमारे पूरे ब्लॉग के देखियो, गौर से देखियो और लाइक वो कब बोलत करे लाइक, हाँ लाइक करियो। तो ऐसा हो पाए है, फिलहाल हम घर भाग रहे हैं तो अब यही ब्लॉग के एंड कर रहे हैं। कल हम आप लोगों के बहुत अच्छो ब्लॉग दिखाई है, दूर दूर तक देखो खूब अच्छी अच्छी जगह है। इधर पीछे देखो खूब गड्ढा वगैरह है, खूब पुरानी पुरानी अच्छी चीजें हैं, सब कुछ दिखाई दी है। तो सपोर्ट कर दियो यार, बुरो ना मानियो कोई।